पार्टीशन के बाद बना तो पंजाब राजनय ने इसका उद्घाटन भी बैसाखी के दिन किया था। हमारे फाउंडर जिस चलता आ रहा है और हमारा बड़ी खुशी की बात है कि उनकी लीगेसी 100 ईयर से भी ऊपर हो गई, जो इनका पुराना हॉस्पिटल वो जो लाहौर में चल रहा है उनके नाम से ही, और यहाँ हॉस्पिटल 1954 से चल रहा है। इस हॉस्पिटल को मैं पीपल्स ओन हॉस्पिटल कहता हूँ, लोगों का अपना अस्पताल है। यहाँ के जो एक किस्म के आप कह सकते हैं मालिक तो भी नहीं है, जो ट्रस्ट है इन्हें भी प्राइवेट हॉस्पिटल या कॉरपोरेट हॉस्पिटल की तरह नहीं है, एक ट्रस्ट रन हॉस्पिटल है। जो ट्रस्टी हैं वो यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं लेते हैं, तो जो भी पैसा आता है जो हमारी आफ्टर ऑल ये छोटे से हॉस्पिटल से इतनी बुरा ग्रोथ हुई, कुछ सरकार से नहीं आता है पैसा, लोगों से आता है। हमारा प्रिंसिपल है क्रॉस सब्सिडी का कि 25-20% पेशेंट हम टोटली फ्री ट्रीटमेंट करते हैं और 25% वर्ड जो हैं वो हमने रखे हैं जितना हमारा खर्चा होता है, जितना वर्ल्ड क्लास केयर करने में खर्चा होता है उसको हम सेमी पेइंग कहते हैं। उसके बाद जो टू हेडेड कम्युनिकेशन होती है वो कैटेगरी टू है, तो उस कैटेगरी टू में पहली कैटेगरी थी कैटेगरी टू है, कैटेगरी टू में फिर हम ऑलमोस्ट 25-50% हायर चार्ज करते हैं, और जो कैटेगरी वन है जो सिंगल रूम की उसमें 100% हायर चार्ज करते हैं ब्रेक इवन से। तो इस तरीके से मतलब पैसा जो कई रिच लोग हैं ज़्यादा पैसे देते हैं, पुअर लोग ये तो कम देते हैं देते ही नहीं हैं, तो एक क्रॉस उनका ही पैसा होता है उसी को हम मैनेज करते हैं, और जो सरप्लस बचता है उस सरप्लस से हम अपनी एक्सपेंशन करते हैं, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं और एक क्वालिटी मेंटेन की हुई है हमने जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है या इक्विपमेंट की। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे डॉक्टरों को डॉक्टर जो तो डॉक्टर हमारे योग्यता होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बड़े होते हैं, पर यहाँ एक जो इस हॉस्पिटल की यूनिकनेस वो है कि यहाँ किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है, और जो एथिकल हेल्थ केयर होती है कि ऐसा नहीं किसी की अननेसेसरी करा दी या अननेसेसरी सर्जरी हो गई या कुछ ऐसा जो लोग ब्लेम करते रहते हैं है, और इसी लोगों का इसलिए इसको पीपल्स ओन हॉस्पिटल कहते हैं। दूसरी यूनिकनेस इसकी ये है कि ये सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं करते हैं हॉस्पिटल में, ये टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, इसमें मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च का भी बहुत ज़रा हम पैसे खर्चते हैं। हमारे कंट्री में हम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में सबसे हाईएस्ट रैंक नंबर वन पर हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। हमारे सबसे ज़्यादा पोस्ट के स्टूडेंट्स हैं, हमने हर साल हम 260 से ज़्यादा पोस्ट डॉक्टर ज़्यादा करते हैं और इसके ऊपर बेसिक रिसर्च जो है रिसर्च छोटी मोटी रिसर्च नहीं बेसिक रिसर्च में हमारा बहुत काफ़ी फंड पैसे करते होते हैं, तो हम उसके लिए हमारा हॉस्पिटल रिकग्नाइज भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी रिसर्च फंड है, इसके अलावा इंटरनेशनल रिसर्च फंड है, तो रिसर्च के फील्ड में भी हम इंटरनेशनली नोन हैं। तो ये तो हो गया जहाँ तक हॉस्पिटल की सर्विसेज का था, मेडिकल सर्विसेज हुई, फिर मेडिकल एजुकेशन हुई, फिर मेडिकल रिसर्च हुई, बेसिक रिसर्च है, क्लिनिकल रिसर्च है, और दूसरा इसका मैनेजमेंट के भी डिफरेंट है। जिस ये हॉस्पिटल जो है मैनेजमेंट जो है वो डॉक्टर करते हैं, जैसे मैं यहाँ मतलब प्रतिष्ठित डॉक्टर जो होते हैं जो विशिष्ट डॉक्टर जिन्होंने अपनी सेवा दी है हॉस्पिटल के लिए, उनको विशिष्ट सेवा से उन डॉक्टरों से जो अच्छे मतलब हॉस्पिटल की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से एक लगता है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, बोर्ड मैनेजमेंट का एक चेयरमैन होता है, तो मैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी आज ऑलमोस्ट 25 साल से बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में हूँ, पर 11 साल से मैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का चेयरमैन, तो वो डॉक्टरी मैनेज करते हैं, और ये जो है चाहे मैं सर्विस कर रहा हूँ इस सर्विस के लिए मुझे कोई यहाँ से एक्सेप्ट ऑफिस मिला है या सबसे बड़ी मैं कहता हूँ कम पैसे नहीं मिलते हैं पर एक जो मिलता है वो अमूल्य अनमोल है, वो है रिस्पेक्ट सोसाइटी में आप लोग आए हैं या चाहे हमारे सोसाइटी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी या पॉलिटिकल सोसाइटी में सब लोगों की जीत है, वो सबसे बड़ा धन है हमारे लिए। और जहाँ तक हमारे पास अपनी लाइवलीहुड की बात है वो हमारे आज की डेट में मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का पहला नेफ्रोलॉजी स्टूडेंट हूँ, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में पास मैंने 1980 में पास किया था और 81 में यहाँ ज्वाइन कर लिया था। तो प्राइवेट सेक्टर में नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले ये सेंटर डायलिसिस स्टार्ट हुआ मेंटेनेंस और यही ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुए प्राइवेट सेक्टर में, नहीं तो दो ही जगह पर ट्रांसप्लांट होते थे और इंडियन इंस्टीट्यूट में पीजे चंडीगढ़ में, आज हमारा सबसे बड़ा नेफ्रोलॉजी और ट्रांसप्लांट का सेंटर है, बड़ा डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। उसमें हमारे पास अभी कैंसर की सुविधा नहीं थी, तो अगले 9-10 महीने में हॉस्पिटल बनेगा तब आपको कर बनाएंगे और वो हमारा एक कैंसर विंग बनेगा 200 बाय 200 बेड्स का, हॉस्पिटल कम्प्लीट हो जाएगा, हो सकता है भगवान करें। इसलिए सब के लिए मैं श्रेय देता हूँ कि हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बनाया है, ट्रस्ट के लोगों की इंटरफेरेंस नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं,
एक ओवरऑल सुपरविजन है, पर मैं इस सब महोदय में विश्वास करता हूँ कि गंगाराम जी हैं यहाँ, इनकी जो रूह है वो मतलब काम कर रही है। जो मतलब यहाँ की ये तो 1927 में इनकी डेथ हो गई थी, इनकी जो कहानी अपने आप पढ़ने वाली है कि इनसे हम प्रेरित हुए हैं। दूसरे हैं अपने धर्मवीरा जी, ये इधर देखो धर्मवीरा जी हैं, ये लास्ट आई सी है सबसे ये भी बड़े इम्पोर्टेंट थे। गंगाराम के ग्रैंड सनीला थे, तो इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस हॉस्पिटल को बनाने में। ओके, या ये सब सबसे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे कंट्री बना, तो उस टाइम लैंड लॉर्ड में दिए वो, फिर बाद में भी जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की कंसेप्ट है उन्होंने दी भाई हमारे से हॉस्पिटल सारा जाएगा, एक ट्रस्टी चाहेंगे कि हॉस्पिटल पाते रहे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई ट्रस्ट वाले पैसे नहीं डाले किसी ने भी, ट्रस्ट वाले किसी भी कुछ फैमिली ट्रस्टी है, कोई डॉक्टर ट्रस्टी है, पर कंट्रीब्यूशन तो सारा पब्लिक का नहीं है ना, कोई किसी से हम ग्रांट भी मांगते हैं कुछ दे देता है तो ठीक है, नहीं देखिए जैसे किसी ने 4 पैसे दिए, किसी ने 8 पैसे दिए, किसी ने 16 पैसे दिए, इस तरीके से हॉस्पिटल चल रहा है। और डॉक्टर साहब, ये तो हो गया ट्रस्ट के पैसे की बात, लेकिन जो पब्लिक से पैसा आता है, कहते हैं दिल्ली के अंदर सबसे कॉस्टली गंगाराम हॉस्पिटल है, तो वो क्यों लोगों के अंदर ऐसा दिमाग में पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ ज़्यादातर पैसा ट्रस्ट का खर्च होता है और पब्लिक से पैसा भी आता है, लेकिन पब्लिक के पैसे का कहाँ यूज़ होता है? जहाँ तक लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है, पर हमारे पास जैसे मैंने आपको कहा कि जो सिंगल रूम की कैटेगरी है, जो हाईएस्ट कैटेगरी कैटेगरी वन, उनका खर्चा वैसे तो बाकी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से कम होता है, ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए पेइंग अकोमोडेशन जो दुनिया में कुछ फ्री तो आता नहीं है, जब आपको ग्रांट कहीं से नहीं आनी है, सरकार से ग्रांट नहीं आनी है, कोई डोनेशन कहीं से नहीं आनी है, पैसा तो मैंने बताया ना आपका ही है, मैं 100 रुपये देता हूँ, ये 75-80 देते हैं, आप 50 देते हैं, 0 देता है, तो मन मिला कर जो होगा, तो पैसे को हमें ये बड़ा जरूरी है, बिल्कुल ठीक करें आप। लोग कहते हैं कॉस्टली है, पैसे लेते हैं, तो लोग चैरिटेबल हॉस्पिटल ऐसे होते हैं कि जैसे तभी मैंने कहा ट्रस्ट सब्सिडी दी है, या तो किसी जैसे बिरला जैसे लोग हैं कि अपने पैसे कमा रहे हैं और हॉस्पिटल बना दिया और मुफ्त देते रहे, स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं, हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन इसकी वजह बैंक की तरह है ना, तो पैसे जा रहे हैं लोग, अब आपने दिए पैसे, हमने जो बचा उसको मैनेज करते हैं हम, उसमें बैठने से हॉस्पिटल जब 1954 में हॉस्पिटल बना था तब से ट्रस्ट की पॉलिसी है, चाहे कि जो भी हम पहले तो हम सब ओपनिंग बिल्कुल टोटली फ्री होती थी, ओपनिंग ऑर्डर में आते थे और 20% पे बेड्स मैंने जो है 1954 से नहीं है, पर 2008 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि जिन हॉस्पिटल को लैंड चाहे सब्सिडी मिली है उनको 10% करना जरूरी कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी 20% कर रहे थे, 10% तो अब जरूरी करना पड़ना है, एक हॉस्पिटल करना चाहिए जिनको लैंड सरकारी मिली है, तो वो 10% जो लोगों के वो है जो ई डब्ल्यू सी कैटेगरी के हैं, चाहे इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन होते हैं उनके ई डब्ल्यू सी कार्ड बनते हैं, वो सरकार बनाती है, तो हमारा ये हॉस्पिटल 10% बैठ गया, अब सरकार 20% बैठ गई, अब 10% सरकार बैठ गई, हमारे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल देगा 10% उनके थ्रू एडमिशन होगी, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेफर करते हैं या ई डब्ल्यू सी कार्ड को लेकर आएगा, ई डब्ल्यू सी कार्ड का जो सरकार बनाती है कई बार कोई कई एजेंसियाँ जो बनाती हैं उसके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है, तो उसको और बाकी 10% बेड हमारे पास अभी भी वो हैं, उससे हम फिर कोई इनकम नहीं पूछते हैं, आप अच्छा। कहते हैं मैं बेड में भाई आपकी सुविधा के लिए हैं, आप सिंगल रूम में रहेंगे ज़्यादा पैसे देंगे, आप 2 बेड के होंगे तो कम पैसे देंगे, 4 बेड के होंगे थोड़े ज़्यादा कम देंगे, और मल्टीपेड 20 बेड होगा तो आपको वहाँ सोने का भी अटेंडेंट के लिए कम होगा, मतलब सुविधा कम होगी ना, अच्छा वही डॉक्टर करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन, एक डिपार्टमेंट को छोड़कर रेडियो सर्विस डिपार्टमेंट को सारे डिपार्टमेंट हैं और सबके पास जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में होगी वो अवेलेबल होगी, ये हमारा शुरू से यह है कि जितनी इसी में तो खर्चा होता है ना, तो लोग कहते हैं खर्चा का पैसे तो आपकी पैसे खर्च होता है, हम तो मैनेजर हैं, उसको मैनेज करके आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फ्री तो दे सकते थे कि मतलब वो कहते हैं खर्चा होगा, गंगाराम में तो दैट मैटर गंगाराम तो पेइंग हॉस्पिटल है, 70 आपके जो 80% बैठे हैं पेइंग है, 80% में पेइंग कैटेगरी, आप कहते हैं मैं तो कम खर्चा कर सकता हूँ, दूसरा एक सुपर कैटेगरी जो डीलेक्स रूम में रहते हैं रोज का 20,000 रुपये कमरा लेते हैं, उनको 20,000 रुपये चाहिए, हमारे तो 20,000 के लिए अपोलो उसमें 50,000 दिन कमरा भी है, तो वैसे देने वाले हैं, ठीक बात है, मेरा मतलब हर कैटेगरी को है, पर हमारे पास ये है कि हमारे पास ज़्यादा करके हम एफ्लुएंट क्लास को नहीं मतलब अट्रैक्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास जनरल कैटेगरी है तो उसमें लोग फिट नहीं होते हैं पूरी तरह, मतलब वो तो सकते हैं थोड़ी सी हमारे पास वही रहते हैं, तो जनरल कैटेगरी भी है, जो 50 रुपये देने वाले वही वही हैं, नजदीक कैंप 75 देने वाले वही वही हैं, 100 वाले वही हैं, और अपने अपनी वसन का डॉक्टर तो वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सिर्फ एक अकोमोडेशन की बात है, सुविधा की बात है, एक किसी बड़ा कमरा चाहिए, किसी को 2 कमरे चाहिए,
अपनी सुविधा के हिसाब से हो जाए। आखिरी में आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? पब्लिक को तो मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि आई विश मैं गंगाराम जैसे कई हॉस्पिटल बना सकूँ इस कंट्री में, जो लोग यहाँ इस तरीके के हॉस्पिटल स्पेसिफिक बने हैं। और पब्लिक का जहाँ तक हॉस्पिटल की कॉस्ट का क्वेश्चन आता है ना, लोगों सरकार को कॉस्टिंग करनी चाहिए। जैसे गंगाराम जैसे हॉस्पिटल हैं, क्योंकि किसी को घर को पैसा जाना नहीं है, फिर भी पैसे आपने कहा अभी कि लोग कितने चार्ज करते हैं, कोई ले जाए घर डॉक्टरों से भी हम पैसे 20% पहले रख लेते हैं, अपने 20% डॉक्टरों की जो फीस है और इनकम टैक्स काटने के बाद उसको मिला दें। और यहाँ सारा बाइक में प्रैक्टिस आती है, वो ब्लैक में कर सकते हैं जो प्रैक्टिस करने हैं। और एज पर कहीं एक डॉक्टर ही पकड़ा जाए कि वो ओवर चार्ज कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, तो उसको डिसमिस हो जाएंगे। तो मतलब सब कुछ पूरा वो है, यहाँ पैसे दिए इनकम टैक्स को गया और उनके TDS कटा यहीं और बाकी उनके 20% पैसे हम काट देते हैं। ये जिस बात ग्रोथ हो हॉस्पिटल, जो 20% डॉक्टरों ने काटे तो हम हॉस्पिटल चला नहीं पाएंगे, तो हमारे पास वही उसी की वजह से हमें सरप्लस बनता रहता है। बाकी तो इतना बड़ा आपको देखना है कि कोई हॉस्पिटल दिल्ली में ऐसा नहीं होगा जो सरकार के बराबर रखा देता है। इस हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट सरकार के बराबर मिलती है, सरकारी यहाँ छोड़ना नहीं चाहता कोई, यहाँ डॉक्टरों की भी रिटायरमेंट एज नहीं है। ये डॉक्टर फ्रेंडली हॉस्पिटल है, पीपल फ्रेंडली हॉस्पिटल है, इसलिए अमंगस मिडिल क्लास फैमिली बहुत पॉपुलर हॉस्पिटल है। हमारे पास बेड ही नहीं मिलता 10-10 है, जनरल वार्ड में तो क्या, जो वार्ड में तो 6-6 महीने बेड नहीं मिलेगा। पर वही मतलब हमारे जो सिंगल रूम के लिए भी रोज बेड मिलते हैं, डॉक्टर साहब पेमेंट लेंगे ही नहीं। जनरल कैटेगरी का है, उसके पास पैसा नहीं है और उसका बिल बन गया है 4,05,000। जनरल कैटेगरी मतलब जैसे उसके पास कोई कार्ड नहीं है। मान लीजिए हमारा फ्रेंड है ये, इसके साथ कोई घटना घट जाती है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई एक्सीडेंटल, हमारे पास अभी 10% बेड बचे हैं ना जी, उसमें हम इनसे नहीं पूछेंगे कितनी इनकम है आपकी, कितनी है, कहते मैं फोन कर सकता हूँ मुझे फ्री बेड में भर्ती कर दो। हमारे पास फ्री बेड भर्ती करेंगे तो क्या हमारा 20 लाख रुपये खर्चा है, इससे पहले इनसे पहले भी देंगे। ओके बहुत बढ़िया, ये आपके गंगाराम हॉस्पिटल का रूल है, हमारा करोड़ों रुपये 30 करोड़ से ऊपर हमारा खर्चा होता है। एक चीज़, ये आपका आपके ही हॉस्पिटल का रूल या गवर्नमेंट का रूल है? गवर्नमेंट का रूल नहीं है, गवर्नमेंट का रूल तो हमारा तो गवर्नमेंट रूल तो अभी बने 2008 में। जी हाँ जी जी, वो भी हम उसको भी हम पूरा कंप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट का ऑर्डर तो आपको 10% बेड देने ही पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, तो अभी उसमें चाहे जब एक उसको हम ब्लू कार्ड कहते हैं, जब वो कार्ड दे दिया उसने मेरा इंडिविजुअल कार्ड है जी जी। और उसको दाखिल बेड मिल गया, हमारे पास बेड तो सीमित ही होंगे ना, 10% बेड है, उसको बेड मिल जाएगा, उसका कुछ भी खर्चा है कुछ उसको करने पड़ना है, उसको हम डिनाई भी कर सकते हैं ना, उसको हम इन्वेस्टिगेशन ट्राई कर सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट डिनाई कर सकते हैं, उसको हमने देना ही है। टर्न आगे गवर्नमेंट का लोग बैठे हैं यहाँ, वो अपने आप नोडल अफसर देखते रहते हैं और हमारे भी नोडल अफसर हैं, उन पर फिर उसके अलावा 10% बेड है। इसके अलावा हमारे क्या होता है कि कोई पेइंग बेड नहीं हो, आपने कहा डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन तो 3 लाख में है, मैं 3 लाख कर दूँगा खर्च, अब 3 लाख में नहीं हुआ खर्चा, कॉम्प्लिकेशन 5-6 लाख हो गए, तो फिर हम आपको कोशिश करते हैं कि आप जनरल कैटेगरी में शिफ्ट करते हैं, यदि आप कहते हैं नहीं 10-20% मुझे डिस्काउंट देना से भी मेरा काम बन जाएगा तो हम बह कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमें लगता है नहीं अभी बहुत खर्चा होना, बहुत टाइम लगना है, तो हमारे पास जो 10% बेड जो बफर है वहाँ जाएगा वो जीरो खर्चा हो जाएगा। वेरी गुड, हमारी वाली ये कि भाई आपने कहा था मेरे 3 लाख रुपये खर्च हो गया, ट्रीटमेंट तो हम करके छोड़ेंगे।